आप है कहाँ? जब पहले जोड़ी बना दी गई थी तो आप लोग है कहाँ? सलीम साहब जहां ना गए, आता जाए तुरंत ग्राउंड में। फल्लू रहमान साहब तब तक बिसिल तो पकड़ ले आप, सलीम साहब आएंगे तो बिसिल आप उनको दे देंगे। भाई शहजादे सलीम आ जाइए, सलीम शहजादा जहां पे भी आ जाए, रन अगेंस्ट लव सर्विस होगी यहां पे अशरफपुर की और आजहर इंडियन आर्मी की सर्विस। अच्छी सर्विस संभाला है शफीक ने और मोहम्मद तालिब, लेकिन अल्तमश ने संभाला फिर वाजिद का क्रॉस और यहां पर संभाल ना सके अली अकबर के स्ट्रॉप को, जिसकी वजह से सर्विस सिंह लब अगेंस्ट सुमन के स्कोर पर। फिर यहां पर बहुत लाजवाब डिफेंस, टूर्नामेंटल डिफेंस इस खिलाड़ी ने किया है और इस तरह से अभी का इशारा आया रन अगेंस्ट लव। फिर यहां पे अजहर आए लेकिन बाल सभली, फिर वहां पे अजहर का बड़ा अच्छा डिफेंस, जीशान कहल का साहब सबाला है डिफेंडर ने और यहां पर मोहम्मद तालिब, ब्यूटीफुल स्मैश बाय मोहम्मद तालिब, लव अगेंस्ट वन सर्विसिंग। जंपिंग सर्विस, बहुत पावरफुल सर्विस यहां पे तालिब की, लेकिन आवे तो एमपीए सच खबर में देख रहा हूं कि भाई वो जो लाइव चला रहे हैं सर अपने चैनल का सही से नाम लिख दें, लाइव चलाने वाले भैया अपने चैनल का नाम यहां पे सही से लिख दें। तालिब जंपिंग सर्विस डिफेंडर बाय मोहम्मद अजहर और आतिफ, ब्यूटीफुल स्मैश बाय मोहम्मद आतिफ। लबक वन अगेंस्ट लब सर्विस पर अजहर, सिंपल सर्विस डिफेंडेड बाय मोहम्मद तालिब और ये क्रॉस करना चाहते थे लेकिन आतिफ का वहां पे, और ये तनवीर आलम माइनस बॉल पर बहुत लाजवाब स्मैश किया इस खिलाड़ी ने, कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया और मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। वाजिद ने संभाल लिया और फिर अल्तमश का हल्का सा हाथ, लव अगेंस्ट टू। जंपिंग सर्विस, अच्छी रिसीविंग यहां पे, फिर बाल सबली आसिफ ने उछाला है यहां पर और इस तरह से मैं देख रहा हूं कि 2-0 का स्कोर है। जिया फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड बेवफा चाय एंड जिया फास्ट फूड रेस्टोरेंट पूरा रानी सराय, पूरा रानी पुलिस चौकी के पास, माफ कीजिएगा, जिया फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड बेवफा चाय पूरा रानी पुलिस चौकी मुबारकपुर के पास आप तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहा है ये शॉप, ये रेस्टोरेंट इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन इसी दरमियान जीशान आए अवे स्मैश के जरिए, एक पॉइंट का यहां पे फायदा मिला है वेलकम ढाबा चमोड़ी आदमी को। शफीक की अच्छी सर्विस, अजहर ने संभाला, फिर यहां पर अल्तमश दे, सिंपल सर्विस, फिर यहां पर आसिफ लाजवाब हाथ, आसिफ मोहम्मदपुर का, और इस लाजवाब हाथ के जरिए सर्विस
अपने फेवर में किया है। वन अगेंस्ट टू सर्विस पर वेलकम ढाबा के सर्विसर शफीकुर रहमान, डिफेंडेड बाय अल्तमश। आतिफ का हल्का सा हाथ, फिर वहां पे गेंद को उछाला गया है तालिब के लिए, लेकिन तालिब ने कर दिया है क्रॉस। तनवीर तो जीशान, अच्छा डिफेंस वहां पर देखा गया, और मोहम्मद तालिब जीशान आए और उस तरह से शफीक ने संभाला तालिब का क्रॉस, और वहीं पे फिर जीशान का हल्का सा हाथ, और उस तरह से कामयाबी ने चूमा है कलम सर्विस चेंज की सूरत में। नतीजा बिल्कुल वैसे तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मुशर्रफ भाई बिलरियागंज के वापस आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, उनके साथ साथ जुबैर भाई मोहम्मदपुर, शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लोगों का। अदनान साहब और बाबू भाई भी यहां पर नजर आ रहे हैं, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग। एक और दो का स्कोर है और मुकाबला कांटों कांटों का यहां पे हो रहा है। हक और अपना वर्चस्व बचाने की पूरी कोशिश और विराजमान पर कब्जा, लेकिन कौन सी टीम आगे जाएगी और किसका बिस्तर यहां पे गोल होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन अपने ही माया जाल में उलझ कर रह गए अल्तमश। नतीजा दो बराबर, टू ऑल दो बराबर। जीशान लेकिन बहुत अच्छा ब्लॉक, फिर यहां पे जीशान आए, लेकिन अच्छा डिफेंस वहां पे देखा गया। मोहम्मद तालिब का हल्का सा हाथ, अल्तमश ने अपने आप को हवा में कुर्बान जरूर किया था लेकिन रिसीव ना कर सके। थ्री अगेंस्ट टू, तो नवादा वॉलीबॉल क्लब नवादा की सरजमीन पे मुकाबला चल रहा है दोस्त, और बता दूं कि 10 तारीख को अशरफपुर की सरजमीन पे हाफिज निसार मरहूम ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 10 तारीख को अशरफपुर में है, और 11 तारीख को सिवान बिहार जाना है मुझे, जहां पे सुफियान प्रताप गढ़ी के साथ इंशाल्लाह मेरी हाजिरी सिवान बिहार के फाइनल मुकाबले में होगी। जो फाइनल मुकाबला चल रहा है शायद वहां पे 3 या 4 लाख कैश प्राइज है। और 11 तारीख को ही पूरा मारूफ में एक स्टेट लेवल का वॉलीबॉल है, यानी बहुत सारे मैचेस अभी कवर करने हैं रमजान उल मुबारक से पहले। बहरहाल ये मुकाबला तो बहुत दिलचस्प आ रही है। तनवीर आलम बर्क रफ्तारी के साथ तेज तर्रार हमला किया, 2 और 3 पर सर्विस अपने नाम किया। सर्विस पर आजहर इंडियन आर्मी, डिफेंडेड बाय मोहम्मद तालिब, और यहां पर तालिब ने जोरदार हिट लगाकर अपनी टीम को सर्विस दिलाया है। तो वाजिद और मैं दिख रहा हूं कि सिटर है वाजिद, कि ग्रहता से ताल्लुक लेकिन बहुत प्यारा चेहरा, उम्र तो बहुत कम है दोस्त, 18-19 की उम्र है, लेकिन बहुत प्यारा ये सिटर है। अपनी सिटिंग के जरिए बहुत सारे मुकाबले को अपने नाम कर चुका है वाजिद। तो वाजिद मैं देख रहा हूं कि इस मुकाबले में बतौर सिटर है, और सुभान को भी आराम दिया गया है। अजहर को सर्व, और इस सर्विस के जरिए अपना जाती पॉइंट हासिल किया है मोहम्मद अजहर ने। अली अकबर आए, हिट लगाया, और उस तरह से 3 बराबर पर एक मरतबा फिर से सर्विस वेलकम ढाबा छमुड़ी आजमगढ़ के फेवर में। और वही मैं देख रहा हूं कि यहिया भाई, शाह आलम भाई यहां नजर आ रहे हैं वेलकम ढाबा के स्पॉन्सर। जीशान लवली शॉट, टूर्नामेंटल हैंड बाय मिस्टर जीशान, कि निगाहें भी मिलती है, दिल से दिल भी मिलता है, मगर कोई चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। 3 अगेंस्ट 3, 3 बराबर, सिंपल सर्विस डिफेंस किया वहां पे, फिर यहां पर लाजवाब स्मैश किया है इस काउंटर ने।
नाम तो दोस्त इसका मैं जरा सा भूल रहा हूँ, शहबाज भाई जरा से इधर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शहबाज बनकट तो यहाँ पर हल्का सा ड्राप, लेकिन इस ड्राप को भी संभाल ना सके। डिफेंडेड बाय मोहम्मद तालिब और आसिफ के लिए, लेकिन बाल संभली फिर आजहार इस मैच करना चाहा लेकिन दबाए गए। वाह लाजवाब इस मैच, कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना जैसे पानी पर पानी से ही पानी लिखना। 4-3 4-3 सर्विस पर शफीकुर रहमान। डिफेंस किया वहां पे अजहर ने, जीशान आए इस मैच किया लेकिन तालिब ने संभाला, फिर मोहम्मद तालिब आए, फिर जीशान, वाजिद, मोहम्मद आतिफ के लिए ग्लोरियस शॉट बाय मोहम्मद आतिफ। 3-4 तो इस तरह से दोस्तों मैं देख रहा हूं कि यहां पे कसीर तादाद वॉलीबॉल के बहुत सारे शहदाई इस मुकाबले को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। तमाम वॉलीबॉल के सच्चे प्रेमियों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। 4-4 का स्कोर है, स्कोर बराबर। ड्रॉप को संभाल ना सके डिफेंडर ऑफ अशरफपुर तो शमसुज्जमा साहब, हाजी मोहम्मद, हाजी अहमद रजा साहब, मोहम्मद कैसर साहब, हबीबुर रहमान मैनेजर साहब, डॉक्टर सरफराज साहब, मोहम्मद इरफान, हाफिज मोहम्मद नईम, मोहम्मद तैयब, इजहार अहमद, दानिश साहब और मुर्तजा साहब, मोहम्मद गुफरानुल्लाह, सलमान, आसिफ अनवर, अबू हरारा, मोहम्मद राशिद, शाहिद हसन, इन तमाम लोगों का बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट में और हाजी शकील साहब का भी बड़ा योगदान रहा है। मैं देख रहा हूं कि हाजी शकील साहब इस मुकाबले को अपनी आंखों में कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं कि दोस्त आप कुछ कर दिखाइए। हाजी शकील साहब ये कह रहे हैं कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, चढ़ती जवानी का जोर लगाइए क्योंकि ये मुकाबला ये तय करेगा कि अगले राउंड में सफर कौन करेगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। 5-4 का स्कोर, सर्विस होगी वेलकम ढाबा की तरफ से। सिक्स अगेंस्ट फोर, गुड गोइंग वेलकम ढाबा। 6-4 सिंपल सर्विस, निशान ने संभाला, मोहम्मद आतिफा दबाए गए। वाओ ब्यूटीफुल ब्लॉक, क्या जबरदस्त यहाँ पे गेम हो रहा है कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये हुस्ने कमाल देता है। 4 शफीक टू सर, डिफेंडेड बाई अल्तमशाए, टाइम आउट का फायदा मिला, सर्विस को चेंज कराया है इस अल्तमश नाम के खिलाड़ी ने। सर्विस पर आजहर, कल ही इनका आगमन हुआ है और कल से 2 टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर चुका है ये इंडियन आर्मी का सितारा। बहुत कम उम्र में इंडियन आर्मी में गया और अपने गांव के नाम को और आजमगढ़ को बहुत दूर तक मशहूर किया है इस खिलाड़ी ने। 7-4 7-4 सर्विस होगी यहां पे शफीक की, सिंपल सर्विस। डांस करा जाए, नॉर्मल सर्विस रिसीव किया मोहम्मद तालिब ने और यहाँ पे आतिफ ने किसी तरह संभाला, फिर वाजिद ने, लेकिन इसी उलझन का शिकार हुए खिलाड़ी की सही तरीके से रिसीव ना कर सके। कहीं ना कहीं
ये जो गलतियां नजर आ रही है अशरफपुर की, इन गलतियों पर दोस्त अंकुश लगाना पड़ेगा। और वहीं पे वाजिब चतुराई भरा यहां पे क्रॉस वाजिब का 4-7 सारे इस पर आजहर सोच समझ कर अपना गेम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर यहां पर अवे बहुत देर के बाद एक पॉइंट यहां पे हासिल किया है अरशद क्लब अशरफपुर ने 5-7। तो दोस्त यहां से ट्रॉफी हटा दी जाए, वो ट्रॉफी यहां से हटा दिया जाए क्योंकि कई बार गेंद यहां से आके टकरा के वापस चली गई। अगर जोरदार स्मैश होगा तो शायद ये ट्रॉफी पर जो गेंद लगी हुई है वो गेंद अलग हो जाएगी। फिर मैं नहीं जानता कि इस अंजाम क्या होगा, बहरहाल कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की शाम हो जाए। मुर्शिद वालीबॉल आजमगढ़ शुक्रिया अदा कर रहा हूं मुर्शिद भाई का कि इस मुकाबले को कवर कर रहे हैं। और वहीं पे लाइव जो भाई चला रहे हैं इनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। 9-5 वेलकम ढाबा 4 अंक से लीड कर रही है इस पहले सेट में। खूबसूरत है लेकिन फिर क्रॉस वाजिद का यहां पे जहरीला क्रॉस। और उस तरह से खिलाड़ी 3 साल पहले भी वॉलीबॉल खेला करते थे लेकिन 3 सालों से वॉलीबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया और अब रेफरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। तो शुक्रिया, आज कोचिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल रहे हैं शादाब और शब्बू साहब। और यहां पे बहुत प्यारा हाथ दिया है जीशान ने। इस खिलाड़ी के अंदर परवरदिगार ने कलाकारी दिया है कि चाहे बैक से खिलाओ इसको, चाहे काउंटर से खिलाओ, दोनों तरफ से ये खिलाड़ी खेल सकता है। जीशान नाम का अशरफपुर से इनका ताल्लुक। और ये देखिए बड़ा प्यारा ब्लॉक दिया, लंबा क्रॉस संभाल लिया तनवीर वाजिब। फिर यहां पर वाजिब क्रॉस करना चाहा लेकिन दबाए गए। अब मैं देख रहा हूं कि काउंटर पर आजहर को बुलाया गया और बैक जीशान संभाल रहे हैं लेकिन इस मरतबा लाजवाब स्मैश पावरफुल स्ट्रोक दिया। उससे पहले रेफरी महोदय ने यह फैसला कर दिया कि वेलकम ढाबा के खिलाड़ी ने जाल को टच कर दिया, नेट टचिंग मामला वहां पे देखा गया। डिफेंस किया फिर यहां पर एक 11-6। अब मैं देख रहा हूं कि वाजिद को थोड़ी देर के लिए आराम दिया गया, नहीं बल्कि वाजिद भी है सुबहान भी आ चुका है। वाजिद ने उछाला है हल्का सा यहां पे क्रॉस करना चाहा अल्तमस ने लेकिन बहुत प्यारा गेम, गुड गोइंग वेलकम ढाबा 12-6। फिर किसी तरह बाल संभली जीशान, बहुत देर के बाद अंगड़ाई लिया है और 6-12। आसिफ ने संभाला अनस तालिब के लिए लेकिन तालिब ने वहां पे बड़ा जहरीला ड्रॉप देकर सर्विस को फिर से अपने फेवर में कर लिया है मोहम्मद तालिब ने। छह 12।
और इस तरह से एक पॉइंट हासिल किया है अशरफपुर के खिलाड़ियों ने। 7-12 हाफिज निसार मरहूम आल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट अशरफपुर की सरजमीन पे 10 तारीख चौथा महीना 2021 को होगा इंशाल्लाह। अगली कमेंट्री शायद नहीं रहे, अगर जिंदगी रही तो फिर उसके बाद 11 तारीख को सुदान में एक फाइनल मुकाबला है जिसमें सुफियान प्रताप बड़ी की भी हाजिरी होने वाली है उस मुकाबले में। बहरहाल अजहर लाजवाब स्पेस ब्यूटीफुल हैंड बाय मोहम्मद अजहर की प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। शुक्रिया मोहतरम आपका। फिर अजहर लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हुए अनस 8-12। अब 4 पॉइंट का अंतर रह चुका है दोनों टीमों के दरमियान। ना टाइम आउट लिया गया पहला वहीं पे वेलकम ढाबा के मालिक यही साहब जो इस मुकाबले को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। और यहां पे मोहम्मद ताली लवली स्मैश 12-8। सिंपल सर्विस वेल टेकन सुभान और अल्तमस लेकिन फिर अनस तालिब के लिए लेकिन इस बार तालिब ने नेट की बाहों में उलझा दिया है इस मैच को 8-12 8-12। जिया पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे का भी शुक्रिया जिनकी तरफ से चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी। फिर यहां पर जोरदार हिट लगाया है मोहम्मद समीर ने तो जिया पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे का भी शुक्रिया जिसकी तरफ से ये इनामी ट्रॉफी दी जाएगी रनर और विनर टीम को। बहुत अच्छा डिफेंस महान का विशान आए जरूर फिर किसी तरह बात नहीं मोहम्मद तालिब लेकिन बहुत अच्छा फिर से डिफेंस और अजहर लेकिन वहीं पे शफीक का बड़ा लाजवाब। तालियां बजा दीजिए मुकाबला बहुत दिलचस्प है घमासान का युद्ध यहां पर लंबा के रास लेकिन बहुत दूर बड़ी गलती जिसका खमियाजा पॉइंट की सूरत में यहां पे भुगतना पड़ा। 13-8 भैया मेरी निगाह स्कोरर पे जा रही है ऐसा लग रहा है कि स्कोरर किसी रेस्टोरेंट में है इसी वाले होटल में बैठे हुए देखिए किस तरह से देखिए क्या एक्शन है भैया जरा उनकी भी तस्वीर ले जाए स्कोरिंग कर रहे हैं या फिर चौथी में आए। बहरहाल शुक्रिया आपका सो जाइए भाई सो जाइए अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब लेट जाइए मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। चौथा 8 नाउ कैप्टन डेडी सेट पॉइंट अशरफपुर लेकिन इसी अंतिम चरण में यह आखिरी गलती अब इस गलती का खमियासा कहां तक भुगतना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लवली शॉट ब्यूटीफुल हैंड बाई मोहम्मद तालिब ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया अशिद्दत रफ्तार सरा थम के अभी तक रस्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। वही पे बड़ा लाजवाब यहां पे ब्लॉक किया इन खिलाड़ियों ने 15-8 से पहले सेट को जीता।